हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, हम लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अक्सर ट्रेन से सफ़र किया करते हैं। ट्रेन्स में जैसे कि जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी इकोनॉमी, सेकंड एसी और फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट होते हैं। और देखें, भारत में ज़्यादातर लोग स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं। ये एक तरह से देखें तो किफ़ायती होता है। स्लीपर क्लास का जो भाड़ा रहता है दूसरे क्लास के मुकाबले कम रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्लीपर क्लास में क्या क्या सुविधाएं मिलती है यात्रियों को। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बीच में। दोस्तों, जहां तक बात करें स्लीपर क्लास में, मेल्स और एक्सप्रेस ट्रेन्स में लगभग 11 से 12 कोचेज रहते हैं। स्लीपर क्लास आम जनता के लिए एक फेवरेट क्लास है, इसमें बहुत सारे यात्री सफ़र करते हैं। दोस्तों, स्लीपर क्लास में लगभग एक कंपार्टमेंट में 6 सीट्स होते हैं, लोअर, मिडल, अपर, उसके ऑपोजिट सेम लोअर, मिडल, अपर और साइड में साइड लोअर और साइड अपर, तो टोटल 8 सीट्स हो जाते हैं। जैसे कि देखें कि साइड लोअर का सीट्स रहता है वो ज़्यादातर आरएसी पैसेंजर्स को दिया जाता है। स्लीपर क्लास कोचेस में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट रहता है। देन फिर फैंस दिए गए हैं जो कि गर्मी में बहुत राहत देता है यात्रियों को, और विंडो रहता है, विंडो ओपन रहता है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं, बट ओपन विंडो से हवा बहुत अच्छा आता है। जब ट्रेन अपने स्पीड में चलती है तो वहाँ से ज़बरदस्त हवा आता है, वो एसी को भी फेल कर देता है, ऐसा हवा रहता है स्लीपर क्लास में। यात्रियों को लगेज रखने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पे जो लोअर सीट्स रहते हैं और साइड लोअर सीट्स रहते हैं उसके नीचे यात्री अपना सामान रख के चेन से बांध सकते हैं। हर कंपार्टमेंट में एक एक मिरर दिया गया है। स्लीपर क्लास में अक्सर देखा जाता है कि उसमें बहुत भीड़ रहती है। आमतौर पे जैसे कि एसी क्लासेस में उतनी भीड़ नहीं रहती है जैसे कि स्लीपर क्लास में। आम जब भी देखेंगे छुट्टियों का मौसम रहता है उस टाइम में ट्रेन्स में बहुत भीड़ रहती है। और जो स्लीपर क्लास का जो टिकट्स है हम ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से जाके टिकट्स बुक कर सकते हैं। टिकट जो बुक करना है यात्रा के 120 दिन पहले तक का हम टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर टिकट काउंटर पे जाके। यहाँ पे बहुत सारे यात्रियों का एक सवाल रहता है, क्या स्लीपर क्लास में यात्रियों को चादर, कंबल, तकिया ये सब दिया जाता है रेलवे की तरफ से? तो इसका जवाब है नहीं। स्लीपर क्लास के यात्रियों को रेलवे चादर और कंबल नहीं देती है। ये सिर्फ सुविधा एसी क्लास के यात्रियों को दी जा रही है, जैसे कि थर्ड एसी हो गया, सेकंड एसी हो गया और फर्स्ट एसी के यात्रियों को कंबल, चादर, तकिया, टॉवल ये सब दिया जाता है। स्लीपर क्लास के एक कोच में लगभग 72 सीट्स होते हैं। स्लीपर क्लास के जो कोचेज होते हैं वो मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स में ही लगाए जाते हैं, ये प्रीमियम ट्रेन्स में नहीं लगाए जाते हैं, जैसे कि राजधानी हो गया, शताब्दी हो गई, वंदे भारत हो गए, तेजस एक्सप्रेस हो गए, ये सब ट्रेन्स में स्लीपर क्लास के डिब्बे नहीं लगाए जाते हैं। हाँ, जहाँ तक बात करें कि दुरंतों में, दुरंतो एक्सप्रेस के कुछ ट्रेन्स में स्लीपर क्लास के डब्बे लगाए जाते हैं, उनमें यात्री सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है, बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखना पसंद है, तो आप ज़रूर स्लीपर क्लास में ट्रैवल करें और नेचर का आनंद लें। हर स्लीपर क्लास के कोच में टोटल 4 वॉशरूम दिए गए हैं। जहाँ तक हम खाने की बात करें, खाना आपको पैंट्री से मिल जाएगा। अगर ट्रेन में पैंट्री की सुविधा है तो वहाँ से आपको पैसे देके खाना मिल जाएगा। जैसे कि यात्रियों का एक सवाल रहता है, क्या हमें फ्री में स्लीपर क्लास में खाना मिलता है? तो जी नहीं, ये जो खाना, अगर आप फ्री की खाना बात करते हैं, ये ट्रेन्स में नहीं मिलता है, प्रीमियम ट्रेन्स में भी फ्री में नहीं मिलता है, ये हम सबका मिथ है। जैसे कि राजधानी हो गए, दुरंतो हो गए, तेजस एक्सप्रेस हो गए, वंदे भारत हो ट्रेन्स हो गए, ये सब ट्रेन्स में जो है खाने का प्राइस जो है टिकट्स में इंक्लूड रहता है,
तो वहाँ पे सबको लगता है कि वो फ्री में खाना मिलता है। नहीं, अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं उस टाइम पे अगर खाना सेलेक्ट करते हैं तो आपको खाना सर्व किया जाएगा प्रीमियम ट्रेन्स में, और अगर आप फूड सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको खाना नहीं दिया जाता है प्रीमियम ट्रेन्स में भी। जहाँ तक बात करें साफ़ सफाई की, तो स्लीपर क्लास में भी साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान दिया जाता है। जो साफ़ सफाई के कर्मचारी हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे आके कोचेस की साफ़ सफाई करते हैं, वॉशरूम्स की भी साफ़ सफाई किया करते हैं। रेलवे साफ़ सफाई को लेकर बहुत सतर्क हो गया है, वो साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है पैसेंजर्स के लिए। जहाँ तक हम टिकट्स की बात करें तो स्लीपर क्लास का टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, खास करके छुट्टियों के सीज़न में। छुट्टी के सीज़न में 4 महीना पहले ही टिकट्स फुल हो जाते हैं और इवन तत्काल में भी टिकट्स नहीं मिल पाते हैं। वहीं बात करें हम किराए की, तो स्लीपर क्लास का टिकट सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू एसी का। अब हम आपको बताते हैं कि आप स्लीपर क्लास का टिकट कहाँ और कैसे बुक कर सकते हैं। आप टिकट्स जो हैं कि ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर जो टिकट विंडो है वहां से भी जाकर आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप जनरल में टिकट बुक करें यानी कि 2 महीना 3 महीने के बाद का टिकट, तो उसमें आप एक फॉर्म में 6 यात्रियों का टिकट बुक कर सकते हैं, और वहीं पर अगर आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं तो एक फॉर्म पर टोटल 4 यात्रियों का टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्लीपर क्लास के बारे में डिटेल्स। आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे फैमिली का हिस्सा बने और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।